फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कोर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोडक्शन चैप्टर भी हमने खत्म कर दिया। अब हम कोर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कोर्स चैप्टर ये भी अगेन शॉर्ट रन लॉन्ग रन होती है, लेकिन 11th क्लास में सिर्फ हमें शॉर्ट रन ही करना है, लॉन्ग रन हमें नहीं करना। अब हमने कहाँ तक किया था, हमने टोटल फिक्स कोर्स पढ़ी थी। क्या थी ये कौन सी कोर्स थी जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगती थी? वेरिएबल कोर्स, टोटल वेरिएबल कोर्स, वो कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगती थी। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी हमने आपको कल करवाई थी, और मार्जिनल कॉस्ट के हमने 4 फॉर्मूलाज करे थे, ठीक है। कल हमने इसकी टेबल नहीं बनाई थी, लेकिन आज हम एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट करेंगे। इसी टेबल में हम सबको इंक्लूड करते जाएंगे, इससे आपको फॉर्मूले भी समझ आ जाएंगे और क्लैरिटी भी हो जाएगी। और कल हमने मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला तो समझ लिया था, लेकिन कैसे अप्लाई करें वो भी देख लेते हैं। देखो कौन कौन से फॉर्मूले करे थे हमने। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन लेबर, मार्जिनल कॉस्ट या चेंज इन क्वांटिटी, हम इसको क्वांटिटी ऑफ लेबर भी बोलते हैं, ठीक है। या चेंज इन टीवीसी, ये 4 फॉर्मूलाज हमने कल देखे थे मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है। कोई भी अप्लाई कर लो, आंसर वुड बी सेम, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मान लो सभी अप्लाई कर, फर्स्ट में तो कुछ नहीं होगी। चेंज इन टीसी बाय चेंज इन एल, टीसी में कितना चेंज हुआ 10 का, और एल में कितना चेंज हुआ 1 का, तो 10/1 = 10। कोई और फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगा लो। चेंज इन टीवीसी, टीवीसी में कितना 10 का चेंज, लेबर में 1 का चेंज, अगेन 10/1 = 10। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, चेंज इन टीसी 20 - 10 = 10 का चेंज, सॉरी टीवीसी एन, मतलब फर्स्ट लेबर पे कितनी है 20, टीवीसी एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, अगेन 10, टीसी एन माइनस, तो ये भी सेम, मतलब हमारे फॉर्मूला हर बार सेम ही आएंगे। फिर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है सेकेंड लेवल पे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के देख लो, चाहे चेंज इन टीसी कितना हुआ 8 का, चेंज इन लेबर 8/1 = 1, टीवीसी में कितना चेंज है 8 का, तो 8/1 = अगेन 8। फिर मार्जिनल कॉस्ट एट सेकंड लेवल, तो टीवीसी एट सेकंड माइनस टीवीसी एट 1, तो टीवीसी एट सेकंड पे कितना है, सॉरी 18 और टीवीसी एट 1 कितना है 10, 18 - 10 = 1, सॉरी 8। फिर अगेन TCN माइनस TC एट सेकंड यानी 28 माइनस TCN माइनस 1 मतलब -20 अगेन 8। तो हमारा ये क्या होता है, चारों फॉर्मूले हमारे सही हैं मार्जिनल कॉस्ट निकालने के, ठीक है। तो हम ऐसे करके मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। चलो हम TC से निकाल लेते हैं, 20 - 10 = 10, 28 - 20 = 8, फिर 34 - 28 = 6, फिर 8, फिर 34 में से 6 8, फिर यहां अगेन 4 आएगा। फिर यहां 6, फिर 8, फिर 16, पीछे आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते जाओ, 72 में से 16, 56 माइनस करो 16, फिर 56 में से 48 करा हमने तो 8 आएगा। ऐसे ये हम एमसी निकालते हैं, इन चारों में से हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और हमारा एमसी आ जाएगा, ठीक है। एमसी तक हमने कल कर लिया था, हमने बस इसको फाइंड करके लिखा था, वो भी आज हो गया। और ये टेबल तो हमने कल सीखी थी, हमने कैसे बनाई थी, टीवीसी पहले चेंज होता है इंक्रीजिंग रेट्स, सॉरी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, जैसे 8 का गैप है फिर 6 का गैप है तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ने लग जाता है और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हमने कर लिया था कल। अब हमारे आज हम करेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। पहले हम करते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट एट पर यूनिट ऑफ लेबर ऑफ
कॉस्ट एट पर यूनिट ऑफ लेबर या पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। मतलब हमारा जैसे हमने एक लेबर लगाई तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 20 है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे 20 बाय 1 इज 20। फिर हमारी सेकंड पे कितनी होगी 28 बाय 2 इज 40। मतलब ऑन एन एवरेज हम एक लेबर पे कितना पे कर रहे हैं, देखो दो लेबर पे हम 28 पे कर रहे हैं, तो एवरेज एक लेबर पे कितना कर रहे हैं हम 14, 14, एक पे 14 दूसरे पे 14, टोटल 28 हो गया। हम ऑन टोटल तीन लेबर पे 34 पे कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज एक लेबर पे कितना कर रहे हैं 34 बाय 3। दिस इज तो सम 11.3 कुछ ऐसा आएगा। तो अब एवरेज कॉस्ट आपको समझ आ गई, एवरेज कॉस्ट का हम फॉर्मूला करते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय या फिर क्वांटिटी, ठीक है, यानी यूनिट्स ऑफ लेबर। क्या वो किसको शो करता है, यूनिट्स ऑफ लेबर, कितनी हमने लेबर, ठीक है। अब हमारी ये हो गई, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, देखो निकालो टोटल कॉस्ट 10/0 इन्फिनिटी, फिर 20/1 इज 20। फर्स्ट पे हमारे हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, 28/2 14, कितना 11.33 समथिंग होएगा ये। फिर 4/38 9.5, उसके बाद 42/5 8.4, फिर 6/48 8, ठीक है। फिर 7/56 ठीक है। तो हमारी ये होती है एवरेज कॉस्ट। देखो अब एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या सीन है, क्या बन रहा है, देखो ये क्या हो रही है, पहले कम हो रही है 20 से 14 हुई, 14 से 11.3, ये 6 के गैप से कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये कितने के गैप से कम हुई, समथिंग 3.33 कुछ के गैप से, 3 कुछ के गैप से ये कम हुई, यहाँ पे सम 2 कुछ के गैप से ये कम हुई, मतलब ये कम हो रही है, और कम भी किस कैसे हो रही है, ये डिक्रीजिंग रेट से कम हो रही है, ठीक है। तो पहले ये डाउन जाएगी डिक्रीजिंग रेट से, यहां तक ये डाउन जाती जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ये कॉन्स्टेंट, पहले मतलब ये क्या होगी, पहले डाउन जाएगी फिर ये कॉन्स्टेंट होगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, एकदम से इंक्रीज होने लग जाएगी, तो हमारी एसी कुछ ऐसे बनेगी, मतलब यू शेप। कौन सी शेप है ये, दिख ही रहा है हमको यू शेप, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया एसी क्या बन रही है, देखो पहले डाउन फिर ये क्या होती है कॉन्स्टेंट, और फिर बढ़ने लग जाती है, हमने भी तो ऐसे ही बनाया है। अब हम इसको देखो अगर ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, आउटपुट या लेबर मतलब, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉस्ट कैसे हो रही है, पहले डाउन आ रही है फिर कॉन्स्टेंट हो रही है और फिर बढ़ रही है, ये कुछ ऐसे हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व बन रही है। तो ये कैसी बनी, यू शेप। तो अब हमको पता चल गया कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है और किस शेप की होती है। उसके बाद अब हम आते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट पे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये कौन सी होती है, ये फिक्स्ड कॉस्ट एट पर लेवल ऑफ आउटपुट या पर लेवल ऑफ यूनिट, पर लेवल ऑफ लेबर यूज्ड, मतलब कि हर हमने कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पे करी। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट हमने यहाँ जब हम 0% लगा रहे थे 10 थी, मतलब काम नहीं भी हो रहा तब भी हम 10 पे कर रहे थे, 1 लगाई तब भी 10, 2, 3 तब भी 10, अगर हम इस कॉस्ट को डिवाइड करें, ठीक है,
एक लेबर पे हमने फिक्स कॉस्ट 10 लगाई, तो एक लेबर पे कितनी बनी 10, दो पे हमने फिक्स कॉस्ट कितनी लगाई है 10, तो अगर हम यहां से निकाले कि एक पे कितनी हुई, तो एक पे 10, दूसरे पे भी सॉरी एक पे 5, दूसरे पे भी 5, तो टोटल हो गई 10, और तीन लेबर पे हमारी 10 है, ठीक है, तो एक लेबर पे कितनी हुई, तीन लेबर पे अगर 10 है, तो ये हम एवरेज निकालते हैं कि अगर तीन लेबर पे 10 है तो ऑन एन एवरेज एक लेबर की कितनी मानी गई, एक लेबर की कितनी होगी 3.33, ठीक है, तो हम ऐसे ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज एक लेबर पे हमारी कितनी फिक्स कॉस्ट आती है, तो फिक्स कॉस्ट भी हम एक हर लेवल ऑफ आउटपुट पे निकालेंगे या हर लेवल ऑफ लेबर यूज पे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट, फॉर्मूला क्या होगा इसका, TFC डिवाइडेड बाय क्यू या L, वैसे मोस्ट प्रोबेबली क्यू ही लिखते हैं, लेकिन हम L भी लिख सकते हैं कि लेबर में हमने कितना चेंज किया या लेबर कितनी यूज हुई है, ये फॉर्मूला है, अगेन निकालो, लेबर टोटल फिक्स कॉस्ट फर्स्ट 1/10 इज 10, सॉरी 10/1 5, फिर 3.33, 2.5, फिर 5, 2 हो गई 6 और 10, ये आगे भी कुछ होगा, ठीक है, फिर 7 और 1 का 8.33, लेकिन एक चीज देखो, ये जब स्टार्टिंग में कम हुई तो गैप कितना ज्यादा था, ठीक है, स्टार्टिंग में 5 का गैप, फिर 2 कुछ का गैप, फिर 1 का गैप, फिर हाफ का गैप, मतलब जो गैप हो रहा है ना कम होने का, कम तो हो रही है लेकिन रेट ऑफ, जिस रेट से ये कम हो रही है ना, वो रेट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज, जिस रेट से हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, हमारी वो रेट क्या होती है, डिक्रीज, तो देखो पहले तो ये एकदम से बहुत ज्यादा क्या हुई, डिक्रीज, एकदम से डिक्रीज हुई, फिर क्या हुई, डिक्रीज तो हुई लेकिन कम, मतलब रेट कम हो गई, फिर ये हमने और कम, मतलब ये इसकी रेट, जिस रेट से ये डिक्रीज हो रही है ना, वो रेट इसकी कम हो रही, पहले तो एकदम बहुत तेजी से ये कम हुई, फिर थोड़ी स्लोली कम हुई, फिर स्लो कम हो रही है, लेकिन स्लोली कम होती जा रही है, मतलब रेट ऑफ डिक्रीमेंट स्लो है, हमारी क्या बनी AFC, और ये AFC कर्व हमारी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में इसलिए होती है क्योंकि ये पहले तो एकदम से बहुत ज्यादा फॉल होती है, फिर ये स्लो ही फॉल होने लगती है, लेकिन कभी भी हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होगी, चाहे 0. कुछ होती है, क्योंकि फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर का पेमेंट तो हमें करनी है, जब हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है तो ऐसा हो सकता है कि हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट ना हो, 0 नॉट पॉसिबल, तो ये कुछ ना कुछ जरूर होएगी, ठीक है, अब हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट भी हो गई, तो ये क्या हुई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब हम करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी ना, वो भी देखना, यू शेप आएगी, लेकिन वो समवट जैसे ये पूरा यू बनता था ना, ए ये क्या था हमारा AC, ये कुछ ऐसे हाफ यू बनेगा, मतलब यहाँ का वो, मतलब ये स्टार्टिंग में जब डिक्रीज होगी ना तो बहुत कम डिक्रीज, ये तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही थी, मतलब बहुत लेवल तक डिक्रीज होती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिक्रीज होगी, थोड़ी सी देर डिक्रीज होते ही ये एकदम से बननी शुरू हो जाती है, तो ये प्रॉपर यू बनता है, वो यू बनता है लेकिन पूरी तरह यू नहीं बनती, ठीक है, चलो देख लेते हैं, यहीं से ही पता चल जाएगा, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या, वेरिएबल कॉस्ट एट पर लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर्म डेफिनेशन तो वही रहेगी, हम आते हैं फॉर्मूले पे, निकालो TVC / Q, ये रहे,
फर्स्ट कुछ नहीं, इंफिनिटी नहीं, ब्लैंक। 10 by 1 is 10, 9, 8, 7, 6, 6.4. आगे भी कुछ होगा, तो ये हमारी, ये हमने कैसे निकाली, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली हमने, टीवीसी बाय एलिया बाय क्यू करके। तो हमारी यहां से आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ये डिक्रीज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से, वन का गैप। ठीक है, उसके बाद फिर ये गैप जो है ये कम हुआ, ये देखो यहाँ पे 0.6 का गैप आया, फिर यहाँ 0.1, फिर ये यहाँ से क्या हुई इंक्रीज 6.3 से 6.5। पहले तो ये डिक्रीज होती है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होती है, मतलब 1-1-1 के गैप से ही डिक्रीज होती है ये। और फिर ये इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या बनती है हमारी ए वी सी। ठीक है, वो ए सी प्रॉपर यू बनती है ऐसे कुछ, और ये ए वी सी यू बनती है, लेकिन ये स्लोप जो होता है इसका, ये स्लोप कम होता है, उसका स्लोप एकदम से बहुत स्टीप होता है। ठीक है, लेकिन इसका स्लोप इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें हमारा जो कॉन्स्टेंट रेट से ये कम होती है, इसलिए इसका स्लोप कम होता है, कॉन्स्टेंट रेट से ये डिक्रीज होती है। तो ये क्या है हमारा ए वी सी। तो अब हमारे सब के सब पूरे हो गए, हमने ए बी सी भी कर लिया, ए सी एम सी ए सी बी सी सब कर लिया। अब देखो ये क्या बनी थी हमारी, ए सी क्या बनी थी, यू शेप, एम सी बी यू शेप, ए बी सी यू शेप, ए एफ सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ए सी ऑल्सो यू शेप। ठीक है, अब हम कर, ये एस शेप बनती है, इनवर्स एस, टी बी सी वगैरह और टी सी। अब हम, हमारा आता है कि टी सी और एम सी के बीच में रिलेशन, ना चलाओ मिक्स डिस्टर्ब हो रहा है, टी सी और एम सी के बीच में रिलेशन अब हम करेंगे। ठीक है, देखो भाई टी सी और एम सी क्या है, ये रहे टी सी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एम सी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एम सी डिक्रीजेस, जब हमारा एम सी डिक्रीज होता है, व्हेन एम सी डिक्रीजेस टी सी क्या हो रहा है, इंक्रीज, टी सी इंक्रीजेस, टी सी हमारा इंक्रीज होता है। अब गैप देखो टी सी में 8, 6, किस रेट पे, एट डिक्रीजिंग रेट, व्हेन एम सी डिक्रीजेस टी सी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, जब एम सी क्या हो जाता है कांस्टेंट, तो टी सी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से, व्हेन एम सी इज कांस्टेंट टी सी इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, यहां तक क्लियर। थर्ड करते हैं अब हम, थर्ड हमको क्या दिख रहा है, जब एम सी ने इंक्रीज होना शुरू किया 6, 8, 16, टी सी भी इंक्रीज हुआ, व्हेन एम सी इंक्रीजेस टी सी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट एट इंक्रीजिंग रेट। अब टी सी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो गया,
और सेम यही रिलेशन टीवीसी और एमसी का होगा. किस किस का? टीवीसी और एमसी का भी सेम ये, जबकि ये कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, टीसी और एमसी का ही आता है, लेकिन टीवीसी और एमसी का भी सेम रिलेशन होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, सिर्फ एक फिक्स कॉस्ट का वो चेंज होता है और फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए यही सेम रिलेशन. और अब एक और चीज पॉइंट है हमारा, देखो जब हमारे टीसी ने इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू किया, टीसी ने इंक्रीजिंग रेट से कहां बढ़ना शुरू किया, 32 से 38 पे, उस टाइम पे हमारा एमसी अपने मिनिमम पॉइंट पे था. कौन से पॉइंट पे? मिनिमम, यानी स्लोप ऑफ एमसी वहां पे कितना होता है? जीरो. स्लोप ऑफ एमसी जीरो, या एमसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है जब हमारा क्या होता है, जब हमारा टीवीसी या फिर जब हमारा टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होता है. When TC starts increasing at कौन से रेट से? इंक्रीजिंग रेट से. जब TC इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है? MC is at its minimum point. Minimum. Point. तो ये हमारा रिलेशन है किसके बीच में? टीसी एमसी. हमने ये अभी रिटर्न में तो कर लिया, ठीक है, ये हमने टेबल के थ्रू, कितने, सिर्फ एक टेबल हमको खुद बनानी है. उस टेबल में भी आप एक चीज याद रख लो, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक, चाहे टीवीसी याद कर लो, चाहे टीसी, चाहे एमसी, एसी, एएफसी, एबीसी, कुछ भी याद कर लो, लेकिन क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, टेबल अपने आप बन जाएगी, कुछ बनाने की भी नीड नहीं है. जैसे चाहे एमसी याद रख लो, क्या जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एमसी जीरो है, उसके बाद 10864, मतलब ये क्या हो रही है, 10864 डिक्रीज हो रही है, लेकिन किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से. फिर एक बार इसको कॉन्स्टेंट करना है और फिर इसको इंक्रीज कर देना है इंक्रीजिंग रेट से. सिंपल, कुछ भी एक चीज याद रख लो बस, और आपके सारे रिलेशन, सारी टेबल, सारे डायग्राम सब क्लियर हो जाएंगे. अब हमने क्या टीसी एमसी का रिलेशन तो कर लिया, अब इसको एक बार ग्राफिकली और कर लेते हैं. यहाँ पे आउटपुट या यूनिट ऑफ लेबर यूज्ड, वैसे आउटपुट ही शो करो क्योंकि हम कॉस्ट को आउटपुट से ज्यादा अच्छे से लेते हैं. प्रोडक्शन में हम मेनली लेते हैं कि कौन कितनी यूनिट ऑफ लेबर यूज की हमने, यहाँ पे आउटपुट ही लो, ठीक है, अगेन आउटपुट. प्रोडक्शन में यूनिट ऑफ लेबर यूज भी ले सकते हो, वो लो तो ज्यादा अच्छा है यूनिट ऑफ लेबर यूज, और कॉस्ट में आउटपुट लो तो ज्यादा अच्छा. कॉस्ट, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, टीसी. ये हमारा क्या गया? टीसी. अब टीसी यहां से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि टीसी कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट हो, ठीक है. टीसी गया, हमने टीसी में क्या पढ़ा कि जब टीसी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जब टीसी कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पे टीसी कॉन्स्टेंट रेट से, उस टाइम हमारा एमसी ने क्या है, एमसी उस टाइम पे मिनिमम पॉइंट पे होता है, या जब, मतलब एमसी दोनों तरफ मिनिमम पॉइंट पे है, यहाँ टीसी कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है तब भी हमारा एमसी मिनिमम पे है, जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तब भी हमारा एमसी. तो हम यहाँ कॉन्स्टेंट रेट पे दिखा लेते हैं. चलो ठीक है, तो हमारा एमसी तो क्या है, एमसी यू शेप है, हमने पढ़ा है. ये बन गया एमसी, ये हमारा हो गया टीसी और एमसी का रिलेशन. ये हमने एग्जैक्ट अभी मिनिमम पॉइंट आया नहीं है. मतलब आपको यहाँ मिनिमम पॉइंट पे शो करना है, उसके बाद टीसी कभी भी उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये अब हमारा सही मिनिमम पॉइंट आ गया यहाँ, अब ये बन गया एमसी, ठीक है. तो ये हमारा रिलेशन हो गया. टीसी हमने पढ़ा था इनवर्स एस की तरह बनेगा, एमसी यू की तरह बनेगा जब ये कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ये हमारा मिनिमम पॉइंट पे है, रिलेशन हो गया. सेम टीवीसी का रिलेशन होगा, टीवीसी में बस एक छोटा सा डिफरेंस करना है. अगर टीवीसी और इसका आता है तो टीवीसी को हमने
यहाँ जीरो से शुरू करना है, ठीक है? कुछ ऐसे देखो, गैप भी इक्वल आया तो अपने आप, और यहाँ ये इन दोनों को मैच कर देना है, ये टी बी सी और एम सी का रिलेशन। और अगर इस पॉइंट को यहाँ तक ले आई, ये क्या है, टी सी और एम सी का रिलेशन, टी बी सी और एम सी का, बस डायग्राम में इतना सा फर्क आएगा, लिखने में सेम आएगा, टी सी की जगह बस टी बी सी लिखना है। अब हम करते हैं ए सी और एम सी का रिलेशन, और जो ए सी और एम सी का रिलेशन होगा सेम ए बी सी और एम सी का होगा, बस रेट में फर्क आएगा कि वो कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है, वो थोड़ा पहले डिक्रीजिंग रेट से फिर कुछ इस तरह बढ़ता है, ठीक है? तो वो अभी आज कर लें उसको, चलो कल करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे एम सी और ए बी सी का रिलेशन, ए बी सी और एम सी का रिलेशन, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ये एस शेप का क्यों होता है, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला क्यों होता है, ये यू क्यों होता है, ए बी सी और ए सी यू होता है, इसमें फिर दोनों यू शेप के क्यों होते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी हम एक दो देख लेंगे कल कि ऐसा क्यों होता है कि इनकी शेप ऐसी वैसी होती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।